to love it सो so सोगाज कैसा लगा आप सभी का आज का ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ए बी सी डी लेटर वाला स्टेटस वीडियो के आप लोग कमेंट करके बार कमेंट उसको जरूर बताइएगा सो सोगाज so अभी ये वाला जो है ना डायलॉग अभी इंस्टाग्राम से बहुत ही तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है तो मैंने आप लोगों के लिए इसका टोटो लेकर के आ गया ओके तो चलिए अगर आप लोग कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाना चाहते हैं आप लोगों को इस वीडियो को हमारे साथ पूरा ध्यान से एंड तक देखना होगा तो आप लोगों को पूरी कंप्लीट समझ में आएगी वरना आप लोगों को स्किप करके देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेता है तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में से एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है तो यहाँ पर देख सकते आप सभी मैंने पहले से इस एप्लीकेशन को ओपन करके रखा हो तो अब आप सभी को स्क्रेटिंग पे टच करना है उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर के साइड में जो कोने में इंपोर्ट लिखा है तो आप लोगों को इस इंपोर्ट पर क्लिक करना है उसके बाद अब आप सभी मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वहां पर दोस्तों आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा प्रोजेक्ट को ओके तो आप लोगों को दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेना जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट डाउनलोड किए थे डिस्क्रिप्शन से आप सभी को उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है क्लिक कर देते ही अब आप सब देख सकते हैं आप सभी के मोबाइल की कैन मैचर के एप्लीकेशन में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आने की इस तरीके को ओपन होकर के आ जाएगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ये प्रोजेक्ट में सॉन्ग वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा तो आप लोगों को सॉन्ग को किस प्रकार से एड करना है आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहे आप लोगों को पूरी कंप्लीट हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं ओके तो अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना और स्टार्टिंग में आप लोगों को दोनों उंगली को पकड़ कर जूम करना है और स्टार्टिंग में देख सकते हैं जो ब्लैक बैकग्राउंड है इस पर टच करके रिप्लेस में जाना होगा और यहाँ से फ्रेंड्स अब आप लोग अपने फोटो वाले की गैलरी में जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों उसको इमेज यहां पर एड करना होगा ठीक है तो चलिए दोस्तों यहां से मैंने इमेज को रिप्लेस कर लिया उसके बाद आप आप लोग पर पर देख सकते हैं में जो जो ब्लैक बैकग्राउंड है है इसको को छोड़ देना ठीक जैसे कुछ ज्यादा ड्यूरेशन का है तो इसको आप को छोड़ देना होगा उसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा आगे आइएगा तो यहां पर आप लोग कुछ व्हाइट वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा तो इसके पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है इस पर टच करना रिप्लेस में जाना है और यहाँ से फ्रेंड्स अब आप लोग फिर से जिसके भी मेजर से बनाना चाहते हैं यहाँ पर उस इमेज को रिप्लेस करना है ओके उसके बाद फिर से आप लोग थोड़ा सा आगे आइएगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बिल वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा ठीक है तो जहाँ से ये दिल वाला इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को यहाँ पर आ जाना होगा और लेयर पे क्लिक करना है मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहते हैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर उसको इमेज को यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है ठीक है तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैंने इमेज को एड कर दिया उसके बाद अब दोस्तों आप लोगों को थिएटर पर क्लिक करके इसको सेंड टू बैक में कर देना इस प्रकार से देख देखते फिर जहाँ पर मैंने इस प्रकार से कर दिया हो और दोस्तों आप लोगों यहाँ पर सही तरीके से फोटो को अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा ओके उसके बाद फिर से इसी इफेक्ट के दिल वाले इफेक्ट के लास्ट में आ जाना है और फोटो जो आप लोगों ने अभी एड किया था उस फोटो पर टच करके कैची पर टच करके टीम राइट कर देना है ठीक है उसके अब आप लोगों को फिर से यहाँ पर व्हाइट वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा इसके पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है पर टच करके रिप्लेस में जाना होगा और फोटो वाले वाली गलरी में जाकर के पर जिसके भी मेजर से बनाना चाहते हैं पर उस फोटो को रिप्लेस कर देना ठीक है उसके बाद आप लोगों को फिर से दिल वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा तो इस दिल वाले इफेक्ट के स्टार्ट में आ जाना है और लेयर पर क्लिक कर देना है मीडिया पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग जिसका भी मेजर फोटो से बनाना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर उस इमेज को यहाँ पर ऐड करना ठीक है जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हो उसके बाद फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक में कर देना है और दोस्तों आप लोग सही तरीके से यहाँ पर इमेज को इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से और फिर से इस दिल वाले के इफेक्ट के एंड में आने के लास्ट में आना है और फोटो जो आप लोगों ने अभी एड किया था उस पर टच करके कच्ची पर टच करके ट्रिम राइड कर देना ठीक है उसके बाद फिर से आप लोग को यहाँ पर व्हाइट वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा इसके पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है इस पर टच करके रिप्लेस में देना है और फिर से फोटो वाले की गली में जाकर करके यहाँ पर फोटो को आप लोग इस प्रकार से रिप्लेस कर देना है फिर से आप लोग जैसे दिल वाला इफेक्ट इफेक्ट आ रहा है दिल वाले के स्टार्ट में आ जाना है लेट पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप आप लोग जिसके भी मेजर फोटो बनाना चाहते हैं पर को फिर से उस इमेज को रिप्लेस आप लोग एड करना दोस्तों पर मैंने इमेज को एड कर दिया फिर से थी रोड पर क्लिक करके सेंड टू बैक में कर देना और यहाँ से इस प्रकार से जूम करके अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा ठीक है फिर से आप लोगों को इफेक्ट के लास्ट में आ जाना और फोटो जो एड किया था उस पर टच करके कई चीज पर टच करके ट्रिम राइट कर देना ठीक है उसके बाद फिर से आप लोग को यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा जो व्हाइट वाला इफेक्ट है पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड है इस पर टच कर देना है रिप्लेस में देना फिर से फोटो वाले के गली में जाकर यहाँ पर आप लोग फोटो को इस प्रकार से रिप्लेस कर देना है फिर से आप लोगों को लास्ट में एक दिल वाला इफेक्ट दिखने को मिलेगा तो उस पर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिल वाला इफेक्ट वहाँ पर आप लोग को आ जाना और दोस्तों लेयर पर क्लिक करके मीडिया में देना है और यहाँ से आप लोग जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहते हैं आप लोगों को यहाँ पर उसी इमेज को एडिट करना जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने कर दिया फिर से थ्री रोड पर क्लिक करके सेंड टू बैक में आप लोगों को कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग सही तरह अपने हिसाब से यहाँ पर फोटो को एडजस्ट कर दीजिएगा ठीक है जैसे तो यहाँ पर मैंने कर दिया फिर से इस दिल वाले के इफेक्ट का लास्ट में आ जाना है और फोटो जो एडिट करता

ट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है और एक बार बैक आ जाना है और नीचे जाना होगा ब्लेंडिंग में और दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन कर देना ठीक है स्क्रीन हो जाने के बाद अब फ्रेंड्स आप लोगों को एक और काम बाकी रह गया आप लोग यहाँ पर स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग सबसे पहले लिरिक्स वाले वीडियो जो एड किया था उस पर टच कर देना है और नीचे जाना होगा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर स्ट्रेट ऑडियो का ऑप्शन तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा क्लिक कर देते यहाँ पर देख सकते इसका ऑडियो जो बाहर निकल के आ गया है ओके तो अब दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से आगे आ जाना है आगे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक बैकग्राउंड है दशमलव आठ से चौदह सेकंड वहाँ पर आप लोग को आ जाना है और जो लिरिक्स वाले वीडियो आप लोगों ने ऐड किया था उस पर टच कर देना और कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देना ट्रिम कर देते ही अब दोस्तों आप लोगों को एक बार और वीडियो को स्टार्टिंग में जाना है स्टार्टिंग में आने के बाद अब दोस्तों आप लोगों ने जितना जो, जो आप लोगों ने एड किया था ब्लैक उन सभी पर बैकग्राउंड्राफी को एड करना तो उसके लिए आप लोगों को पहले वाले फोटो पर टच करना है किलोग्राफिक में जाना है और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक किलोग्राफी आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल नया है ठीक है देख सकते स्पेशल डे इसमें जाकर के दोस्तों तीन नंबर काशू को लगाना उसके बाद अब आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए आगे आने के बाद जहां पर आप लोगों ने ब्लैक ब्लैक्राउंड में जो फोटो रिप्लेस किया था उस पर टच करके किलोग्राफिक्स में जाना मोशन में जाकर जुमाट को लगाना फिर से आप लोगों ने इफेक्ट पर जो फोटो एड किया था लेयर में इसको छोड़ देना जहां पर आप लोगों ने ब्लैक बगन और जो फोटो रिप्लेस किया था उसी फोटो पर आप लोगों को टच करना है में जाना से मोशन में जाकर जूमआउट को लगाना फिर से आप लोगों को जो ब्लैक बैगन में रिप्लेस किया था उसी पर टच करके के मोशन में जाकर दोस्तों जूमआउट को लगाना ठीक है तो दोस्तों आप लोग को दूसरा कोई भी फोटो आप लोगों को नहीं एड करना जहां पर आप लोगों ने ब्लैक बैगन में फोटो को रिप्लेस किया था उसी पर आप लोगों को के मोशन में जाकर जूमआउट वाले को किलोग्राफी को लगाना ठीक है इतना हो जाने के बाद अब आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में फिर से आ जाना और लेट पर क्लिक करना है मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप लोग टैंप्लेट वगैरह ऐड करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ से आप लोगों को करना होगा टेम्पलेट वगैरह ऐड कर सकते चलो दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों को टैम्लेट को ऐड करके दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैंने टेम्लेट को ऐड कर दिया हो उसके बाद इस प्रकार से रोटेट कर देना है इस प्रकार से जूम करके दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से सेट करना है और नीचे जाना होगा ब्लेंडिंग और दोस्तों आप लोग को स्क्रीन इस प्रकार से आप लोग को कर देना ठीक है जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बन के रेडी हो जाएगा तो आप लोगों से उम्मीद करता करते कि आज का इंस्टाग्राम ट्रेनिंग स्टेट वीडियो बहुत ज्यादा पसंद एमजिंग लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो जो है न्यू विज करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो जब भी कोई डालेंगे अपलोड करेंगे तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के मोबाइल में पहुंचेगा तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के एक नए कमाल बेहतरीन धमाकेदार और ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग के साथ